आज के फेंगशुई के सेशन में मेरा नाम डॉक्टर नीति विवेक कुमार है और मैंने फेंगशुई 2002 से लेके 2006 से लेलैंड 2 से सीखी थी, जो कि इस समय सबसे बड़ा नाम फेंगशुई की दुनिया में है। जय श्री माता जी। और हमने जो मैंने सीखा उनसे, वो खाली सिंबल्स लगा देना नहीं सीखा, बल्कि कैलकुलेशंस के बेसिस पे पूरा सीखा गया है, जिसको हम फ्लाइंग स्टार्स कहते हैं। फ्लाइंग स्टार्स थ्योरी जो है, जैसे कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से हम चार्ट बनाते हैं, जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है जिससे हम चार्ट बनाते हैं, ऐसे ही फेंगशुई में फ्लाइंग स्टार थ्योरी है, जिससे आप अपनी कुंडली निर्माण करते हो। आप लोग बहुत अच्छे से लोशु ग्रिड को जानते हो, लोशु ग्रिड जो न्यूमरोलॉजी में यूज होती है। हमारे देश में जो मैंने अभी तक नोट किया, वो ये नोट किया कि एक लोशु ग्रिड बनती है, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ जहां जहां नंबर बैठते हैं वहां बिठा दी जाती है। जो खाली जगह होती है उनको कहा जाता है मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स में आपको उपचार बताए जाते हैं कि आप ये करो, ये करो, ये करो, विच इज न्यूमरोलॉजी के से देखा जाए तो वो सही है, लेकिन फेंगशुई इस चीज को सपोर्ट नहीं करती। फेंगशुई जो है वो प्योर कैलकुलेशन है फ्लाइंग स्टार की, कि फ्लाइंग स्टार जो है वो आपकी कुंडली की तरह ही बनता है। लोशु ग्रिड जो है, जो फेंगशुई की जो लोशु ग्रिड है, जो चाइनीज लोशु ग्रिड है, वहां पे हम ऊपर साउथ लेते हैं, नीचे नॉर्थ लेते हैं, लेकिन जब हम उसकी फ्लाइंग स्टार कैलकुलेशन करते हैं तो हम आपके घर की जन्म कुंडली या आपकी डेट ऑफ बर्थ की जन्म कुंडली से वो बनाते हैं। ऐसे ही कुआ नंबर्स होते हैं। कुआ नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट होके करवाया जाता है। ईयर ऑफ बर्थ में मैंने बहुत जगह देखा है कि भाई मेल एंड फीमेल के लिए वो चीज करवा देते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, जो लोग जनवरी बॉर्न है या 4 फेब से पहले के बॉर्न है, जिस ईयर में आप पैदा हुए हो, चाइनीज फेंगशुई जो ब्लैक हैट फेंगशुई है वो उस ईयर को नहीं लेती, वो उसका प्रीवियस ईयर उठाती है, क्योंकि उनका जो चाइनीज लूनर ईयर है वो 4 फेब से स्टार्ट होता है। 4 फेब के बाद उनका नया साल लगता है, तो वो जो ईयर आ रहा है, जो नंबर बदलता है हमारा 1 जनवरी को, उनका नंबर वो 4 फेब को बदलता है। यानी वो ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान का बर्थडे जनवरी में आता है और वो 1971 बॉर्न है, हम उसका कुआ नंबर 1971 से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वही सारी चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि वहीं से हमें वो बता देते हैं कि भाई आपका कुआ नंबर कौन सी दिशा को या कौन से सेट ऑफ नंबर को बिलोंग करता है, जहां से पूरी फेंगशुई स्टार्ट होती है। फेंगशुई का मतलब क्या है? विंड एंड वॉटर, कि पानी और हवा का निरंतरण आपने कैसे अपने घर में बना के रखना है, वहीं पे पूरी फेंगशुई बैठती है। ऐसे ही कई ऑथेंटिक सिंबल्स हैं चाइनीज, जैसे कि अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, वेल्थ वास। हमने वेल्थ वास बनाना अपने गुरु लेलैंड 2 से सीखा, जो कि ओरिजिनल चाइनीज कैसे बनाते हैं। और मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि वो वेल्थ वास आज भी मेरे पास है, और उसको हर बार कैसे एनर्जाइज करना है आपने, वो इस कोर्स में आप सीखोगे। कैसे बनाओगे, वो इस कोर्स में आप सीखोगे। क्या ओरिजिनल सिंबल्स हैं फेंगशुई के? मार्केट में आपको मिस्टिक नॉट और हैप्पीनेस साइन बहुत मिलता है, तरह तरह की चीजों पे बना हुआ मिलता है, लेकिन क्या उसके पीछे रियलिटी है? कब आपको यूज करना है, कब आपको यूज नहीं करना है? 2 और 5 का जो फ्लाइंग स्टार आपके घर में कौन से दिशा में किस साल बैठेगा, जहां से आपको इल्लेस आ सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, पैसे का नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज आपके घर के फ्लाइंग स्टार आपको बताएंगे। फ्लाइंग स्टार खाली आपकी ईयर के बेस नहीं होते, मंथली फ्लाइंग स्टार होते हैं, वाटर एंड माउंटेन बेस फ्लाइंग स्टार्स होते हैं, जो सारी कैलकुलेशन आपको इस फ्लाइंग स्टार में सिखाई जाएगी। जिसके मुझे ये मालूम है कि जब आप वो फ्लाइंग स्टार थ्योरी एकदम सीख लोगे, आपका परसेप्शन ही बदल जाएगा न्यूमरोलॉजी की तरफ। जो लोग यहाँ पे न्यूमरोलॉजी जानते हैं उनके लिए तो एक एडिशन है,
और वो तो न्यूमरोलॉजी और अच्छे से जान सकेंगे, क्योंकि जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ उस फ्लाइंग स्टार के अंदर डालोगे, आपको पता है 2022 में कौन सा वेल्थ वेल्थ स्टार जिसको हम कहते हैं, जहां कौन सी दिशा हमको पैसा देगी, 2022 टाइगर एनिमल का ईयर है और वहां पे हमें पैसा देगी नॉर्थ ईस्ट। हमारा जो इस साल नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है वो हमारा वेल्थ स्टार है। फेंगशुई में वेल्थ स्टार लाइज दिस ईयर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इफ वी एनर्जाइज द नॉर्थ ईस्ट, अब मान लीजिए कि भाई आप वेस्ट से रिलेशन रखते हो, आपका कुआ नंबर ही वेस्ट है। पहले चले अपने अपने कुआ नंबर्स निकालते हैं। आपको करना क्या है, अपनी ईयर ऑफ बर्थ, अगर आप मेल हो, आपके जो 1944, लेट्स से कि 1944 आपका ईयर, तो आपने 44 को प्लस करना है। आप प्लस कीजिए अपने लास्ट ईयर के दो डिजिट्स को, प्लस कीजिए। ये याद रखिएगा, जो लोग जनवरी बॉर्न है वो लोग एक साल पहले लेंगे, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 71 ईयर में जनवरी 1 से 3 फेब तक उसका बर्थडे आता है तो वो 1970 लेगा अपना ईयर, 1971 नहीं लेगा। खाली इतना ही डिफरेंस है, मेल फीमेल बोथ। तो आप अपने जो लास्ट के टू डिजिट्स हैं उसको प्लस करें। प्लस करने के बाद जो आपके पास नंबर आता है, अगर आप फीमेल हो उसके अंदर आप 5 ऐड करोगे, और अगर आप मेल हो तो आप उसके अंदर जो है 10 माइनस करोगे। आपको जो नंबर मिला वो आपका कुआ नंबर है। कुआ नंबर आपका ये बताएगा कि आपके लिए कौन सी दिशा में क्या रखा है, यानी वो जो नंबर है वो आपको ये बताएगा कि आपके लिए कौन सी दिशाएं फेवरेबल हैं, कौन सी दिशाएं नॉन फेवरेबल है। फेंगशुई में दो ग्रुप्स माने जाते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट ग्रुप। तो उसमें काफी नंबर्स जो हैं वो ईस्ट में आ जाते हैं, कुछ नंबर्स वेस्ट में चले जाते हैं, तो उनकी अपनी डायरेक्शंस होती हैं। तो मैं आपको 1 से 9 नंबर्स की कौन कौन सी फेवरेबल डायरेक्शंस हैं, कौन कौन सी नॉन फेवरेबल डायरेक्शंस है, वो मैं आपको लिखवाने जा रही हूं, ताकि आपके जो कुआ नंबर्स हैं वो आपको बता सके कि भाई आपके लिए कौन कहाँ पे क्या चीज बैठी है। ऑन द होल ये साल 2022 जो आया है हमारे लिए, वेल्थ स्टार फ्लाइंग स्टार जो है वो नंबर 8 बनता है, और वो नंबर 8 जो है नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, आया है, यानी नॉर्थ ईस्ट का सेक्टर जो है आप लोगों को क्लटर फ्री रखना है। वाटर फीचर ऐड कर सकते हो आप वहां पे, या हाई माउंटेन से पानी गिरता हुआ सीनिक आप ऐड कर सकते हो, तो इस तरह से आप उसको एनर्जाइज कर सकते हो। बाकी अभी जो कुआ नंबर्स आप लोगों ने सबने निकाले हैं उसके आपको मैं कुछ इंफॉर्मेशन देने जा रही हूं, जो आपको ये बताएगा कि आपका जो कुआ नंबर है वो कौन सी दिशाएं आपके लिए फेवरेबल है और कौन सी नॉन फेवरेबल है। अगर आप उनको लिटरली बैठ के सोचोगे ना आज जानने के बाद कि हाँ मैं उस दिशा में बैठा था तो मेरे साथ ये हुआ, मैं इस दिशा में बैठा था तो मेरे साथ ये हुआ, आपको सारी चीजें आपको अपने आप पता चलेगी। पर्सनल ग्रोथ नंबर 1 के लिए, पर्सनल ग्रोथ नंबर 1 के लिए नॉर्थ है। पर्सनल ग्रोथ नंबर 1 के लिए नॉर्थ है, नंबर 2 के लिए साउथ वेस्ट है। पर्सनल ग्रोथ नंबर 3 के लिए ईस्ट है, नंबर 4 साउथ ईस्ट, नंबर 5 साउथ वेस्ट अगर आप मेल हो, अगर आप फीमेल हो तो आपके लिए नॉर्थ ईस्ट है।
नंबर सिक्स, पर्सनल ग्रोथ आपकी नॉर्थ वेस्ट में है. नंबर सेवन, पर्सनल ग्रोथ आपकी वेस्ट में है. नंबर एट, पर्सनल ग्रोथ आपकी नॉर्थ ईस्ट में है. नंबर नाइन, पर्सनल ग्रोथ आपकी साउथ में है. अब जो अगला आ रहा है वो है सक्सेस. कैसे पाएं सक्सेस? अगर आपका कुआ नंबर आपको मालूम है तो आप इन दिशा को यूज करके अपने लिए सक्सेस ले सकते हैं. इसमें मैं आपको एक टिप दूंगी, भाई आपका जो कुआ नंबर है उसकी जो सक्सेस की दिशा है उसमें अगर आप अपनी रेड फ्रेम में फोटोग्राफ टांग देते हो तो किसको सक्सेस मिलेगी? आप ही को मिलेगी ना, क्योंकि आप ही की वो एनर्जाइज कर रहा है, आप ही की वो दिशा है, आपको पता है वो मेरी दिशा है. तो सक्सेस के लिए नोट कीजिए, नंबर वन, कुआ नंबर जिसका एक है उसके लिए सक्सेस की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट. कुआ नंबर टू, उसके लिए सक्सेस की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट. कुआ नंबर थ्री, सक्सेस की डायरेक्शन है साउथ. कुआ नंबर फोर, सक्सेस की डायरेक्शन है नॉर्थ. कुआ नंबर फाइव, मैं मेल, अगर आप आदमी हो और कुआ नंबर फाइव है आपका तो आपकी सक्सेस की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है. अगर आप फीमेल हो और आपका कुआ नंबर पांच है तो आपकी सक्सेस की डायरेक्शन साउथ वेस्ट है. कुआ नंबर छह, वेस्ट. कुआ नंबर सेवन, नॉर्थ वेस्ट. कुआ नंबर एट, साउथ वेस्ट. कुआ नंबर नाइन, ईस्ट.